जूली इंटरनेशनल में आपका स्वागत है। अब हम हेयर कट के बारे में पता करते हैं। हमारे शॉप टूल्स हैं अलग अलग, उसमें हेयर कट में जाएंगे। सबसे पहले हम कस्टमर का फ़ोटो का फ़ोटो है वो ब्राउज करेंगे। हमने ये लिया, जितना वाइट एंड सिंगल बैकग्राउंड होगा आप उतना अच्छा हेयर कटिंग का रिजल्ट देख पाएंगे। अब हम सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा हेयर कट सेलेक्ट किया, लोड डिजिटल बैकग्राउंड करेंगे। इसमें जो बैकग्राउंड आपको अच्छा लगता है उस पर डबल क्लिक कीजिए। जिसको बैकग्राउंड में चेंज करना है, कंट्रोल टी करके इसको आप रिसाइज करिए। फिर आप देखिए हमारा सॉफ्टवेयर वापस क्लिक करिए, स्टेप वन और स्टेप टू। अगर सिंगल कलर रहेगा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्शन बना लेगा। अभी आपका अगर ओपेसिटी 20% है तो बैकग्राउंड लाइट आ रहा है, ओपेसिटी आपने 100% किया तो आपका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर रहेगा। अब ये देखिए ये आपका डिटेल के साथ बैकग्राउंड क्लियर हो गया। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि कुछ नॉइज़ भी आपको दिख रहा है। इसको हटाने के लिए आप ओपेसिटी 50% कीजिए और ब्रश का साइज छोटा कीजिए और आपको सुविधा अनुसार जितना आप चाहते हैं उतना आप इसके अंदर इसको नॉइज़ जितनी डीप रिमूव करना चाहते हैं आप इसके अंदर डीप से डीप तरीके से रिमूव कर सकते हैं। ये शानदार आपका हेयर कटिंग का काम हो गया। अब आप चाहते हैं कि स्किन के अंदर भी आप देखेंगे कुछ बैकग्राउंड आ गया है तो एक्स दबाइए और एक्स की सहायता से आप इस स्किन के अंदर वापस जहाँ जहाँ आपको इसके अंदर लग रहा है कि फ़ोटो के अंदर भी आपका मिक्स हो गया है तो आप इसको हटा सकते हैं।